अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं माली राजपूत और आप देख रहे हैं खेल पाकिस्तान का। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर, कोटा ग्लैडिएटर्स की फास्ट बॉलिंग सेंसेशन मोहम्मद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। हसनैन, सबसे पहला तो ये क्वारंटीन का जो पीरियड स्टार्ट हो गया कोविड के बाद, क्वारंटीन करना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है, ये कैसा एक्सपीरियंस है? देखें तो सबसे मतलब मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि एक रूम में बंद रहना और वो 14 दिन 7 दिन ऐसे एक रूम में बंद रहना तो बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी मतलब मुश्किल थी, रूम में रहना और कुछ नहीं करना, फिर एकदम जाके मैच खेलना, तो ये मतलब बड़ा मुश्किल मरला होता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स बाउंस बैक करेगी, क्योंकि जब कराची में थे तो हमने देखा कि जो कोयटा है वो थोड़ी आखिरी नंबर पर रही, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सेकंड लेग में कोयटा ग्लैडिएटर्स हमें बाउंस बैक करती हुई दिखाई देगी? जी बिल्कुल, देखें उम्मीद है हमें और सब प्लेयर्स से उम्मीद है, और जैसे हम वहाँ पर कराची में मैच खेल रहे थे तो हम मैच लॉस कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी बुरा फील हो रहा था, तो सबके अंदर एक बड़ा जज्बा है, कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ये अब आगे बाउंस बैक करेंगे और मैचेस जीतेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसकी। हसनैन की क्रिकेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ, कौन फेवरेट बॉलर था, कैसे ये सोचा कि क्रिकेटर बनना है? क्रिकेटर ऐसे ही जैसे गली मोहल्ले में सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने भी ऐसी क्रिकेट स्टार्ट की, गली में खेलता था, टेप बॉल पे खेलता था, प्लास्टिक बॉल पे खेलता था, और क्रिकेट मैं मेरा आइडियल थे जैसे वकार यूनुस थे, मोहम्मद शमी थे, इन लोगों को देखता था जब ये लोग मैच खेलते थे, तो मतलब इनकी बॉलिंग की फेस देखता था, इनके एक्शन और इनके एग्रेशन वगैरह, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, इनको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की और ऐसी मतलब गली मोहल्ले से फिर क्लब ज्वाइन किया अंडर 16-19, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं क्रिकेट खेलता रहा। बिल्कुल, बाबर आजम आपको पता है कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन उनको कहा जाता है। हसनैन जब बाबर आजम को बॉलिंग करते हैं तो कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, बाबर आजम एक दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है और उसको बॉलिंग करते हैं तो मतलब बहुत मजा आता है, क्योंकि वो बहुत सॉलिड खेलता है और वो मतलब उसकी शॉट्स वगैरह ये वो, तो उनको मतलब बीट करते हैं, आउट करते हैं, तो उसमें मतलब काफी मजा आता है उनको बॉलिंग करते। क्रिकेट आपके लिए क्या है? क्रिकेट माय पैशन और उसको दिल से प्यार करते हैं। बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर्स के अलावा अगर आपको कौन सी टीम पसंद है पीएसएल में? कोयटा ग्लैडिएटर के अलावा पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं कोयटा को ना छोड़ूं, उसके अलावा मुझे नहीं पता। और जब आपको ये पता चला था कि हम जो नसीम शाह हैं, क्योंकि वो आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि पार्टनर इन क्राइम भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, बड़े क्लोज हैं, जब वो कहा गया कि वो अनफॉर्चुनेटली बबल में नहीं है, उनको टीम शायद वो पीएसएल 6 ना खेलें, तो हसनैन के अंदर से क्या जज्बात थे? मुझे तो एक मतलब बहुत लेट पता लगा था कि मतलब वो बबल में नहीं है और वो नहीं आया, तो मैं मतलब इंसान थोड़ा सोचता है यार इसने क्या किया, इसने गलती कर दी, अब ये कैसे वापस आएगा, वो थोड़ा सा एक फील होता है कि क्या करेगा, क्योंकि वो मतलब जो बायो के बबल में जो एक मतलब उनकी इंस्ट्रक्शन होती है, इसने इसको उसके रोल उसको रूल्स को तोड़ा, ये नहीं आया, इसने नहीं किया, तो मतलब काफ़ी बुरा लग रहा था कि अब ये क्या करेगा, तो वो फिर टीम की जो मैनेजमेंट है इन लोगों ने थोड़ा मैनेज किया और फिर उसको लेकर आया, तो वो मतलब काफ़ी अच्छा हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमारा मैन बोल रहे थे बिल्कुल ऐसे ही है। कौन सा टीममेट जो सबसे ज्यादा कोयटा में सबसे ज्यादा कौन सा प्लेयर है जो फोन यूज करता है? जो सबसे ज्यादा फोन यूज करता है, हर वक्त फोन पे होता है, कभी गेम खेल रहा है, कभी पबजी खेल रहा है, कभी क्या कर रहा है? आरिश अली खान। ओके जी, और सैफी भाई कैसे कप्तान है? सैफी भाई बहुत जबरदस्त कैप्टन है और बिल्कुल उनकी कोई बात नहीं है, वो डिफरेंट है, ये मतलब उनके साथ खेलते बहुत मज़ा आता है, काफ़ी मतलब उनके साथ जब वो ग्राउंड में होते हैं तो उनके अंदर एक एग्रेशन होता है, जज्बा होता है, वो पीछे से कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं, थोड़ा सा समझा रहे होते हैं ये करना है वो करना है, तो मतलब उनके साथ वो काफ़ी खेलने मज़ा आता है। बिल्कुल, आज आपके तो बल्कि फाफ डुप्लेसी का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि
सरफराज उसी तरह टीम को लीड करते हैं जिस तरह विराट कोहली जो है वो टीम को लीड करते हैं, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट सैफी भाई के लिए। लेकिन सैफी भाई गुस्सा भी बहुत करना शुरू हो गए आजकल। नहीं नहीं गुस्सा ऐसी बात नहीं है, वो आप लोगों को लगता है कि स्क्रीन पर वो ऐसे मतलब करते हैं तो आप लोगों को लगता है, लेकिन बिल्कुल भी वो गुस्सा नहीं करते। ओके और आप हसनैन, क्योंकि आप लोगों का तो मुझे लगता है कि फिटनेस बड़ी ज्यादा आप लोगों की जरूरी होती है, लेकिन कौन सा ऐसा फेवरेट फूड है जो आप अब नहीं खा सकते लेकिन पहले खाया करते थे? मेरा फेवरेट फूड बिरयानी, अब नहीं खाता, पहले बहुत ज्यादा खाया करता था। पहले मुझे रूटीन थी कि मुझे रेगुलर बिरयानी खानी है, पर अब नहीं खाता। वही मैं बहुत सारे प्लेयर्स से बात हुई तो सब यही कहते हैं कि बिरयानी वो लोग नहीं खा सकते बिकॉज आप लोगों का शेड्यूल ऐसा है। बिल्कुल बिरयानी नहीं खाते, मैं बिरयानी नहीं खाता। और कौन सा ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अलावा भी बात करूं पाकिस्तान टीम के अंदर, अब आप लोग वर्ल्ड कप के लिए इंशाल्लाह जाएंगे, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर है जिसमें माइंड में लेके जाएंगे कि इसकी विकेट तो मैंने लेनी है? देखें सर, मतलब कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है कि माइंड में लेके जाए, बस ये उम्मीद है कि मतलब चाहे मैच खेलें और हर टीम के खिलाफ परफॉर्म करें और अपनी टीम को मैच जितवाएं, तो ये मतलब ये सोच। और कौन सा पाकिस्तान टीम का ऐसा पुराना खिलाड़ी जो आपको लगता है कि मैं उनके साथ काश खेलता? पाकिस्तान का पुराना खिलाड़ी, मतलब खेला तो सबके साथ हो, जिनके साथ सोच नहीं, जैसे इमरान खान जैसे जवेद मियादाद, वसीम वकार, उस एरा में, मतलब पुराने पुराने वक्तों की बात। शायद वसीम वकार के साथ खेलता। ओके और फेवरेट आपके कैरियर का पसंदीदा आपका मूवमेंट कौन सा था जो आपको अभी भी याद हो? मेरा फेवरेट मूवमेंट था जब हम लोग क्वेटा से खेल रहे थे, मेरा फर्स्ट ईयर था क्वेटा के साथ, और हम लोग फाइनल में थे, फाइनल मैच जीते और मैं मैन ऑफ द मैच बना फाइनल का, और पिशावर से फाइनल जीते थे, तो मतलब वो बेस्ट मोमेंट था मेरा कैरियर का। बिल्कुल। अच्छा हसन, कौन सा फॉर्मेट है क्रिकेट का, टेस्ट है, वनडे है, T20 है, जो आपको ज्यादा मजा आता है खेलते हुए? ज्यादा मजा मैं मतलब वनडे और T20 खेला हूँ, दोनों खेलने में मजा आता है। टेस्ट अभी तक खेला नहीं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह टेस्ट भी खेलूँ। तो क्रिकेट ऐसी चीज है मतलब ज्यादा कम कहीं नहीं है, मतलब सब जगह मजा आता है खेल, वो सेम गेम होता है, टेस्टिंग गेम होता है, मतलब हार्ट बीट ऊपर नीचे चली होती है, जब मैच सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो मतलब ये कि मजा सब में ही आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हसनैन को एक्टिंग का शौक है? थोड़ा सा। थोड़ा सा। अच्छा हसन तो टिकटॉक बनाते हैं, आप टिकटॉक बनाते हैं? या बनाता हूँ पर मैं लगाता नहीं, मैं पोस्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर विव रिचर्ड्स आपकी टीम का बड़ा अच्छा मोरल वो हाई करते थे, इस साल वो नहीं है टीम के साथ, तो आप उनको मिस कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, विव को मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब वो टीम में होते थे तो वो एक उनका जो एक कॉन्फिडेंस है, एक वो मतलब जेंटलमैन तरीके से आते हैं और टीम को उठाते हैं, पकअप करते हैं टीम को, तो मतलब वो एक बिल्कुल मतलब हमारी टीम के लिए एक डिफरेंट होता है, टीम का माहौल बना हुआ होता है, सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं सर के साथ, तो सर को काफ़ी मिस कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि सर मतलब बहुत इंजॉय करते थे और बहुत कॉन्फिडेंस देते थे सब प्लेयर को। अच्छा क्वारंटीन, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की, तो जब आपके पास क्वारंटीन होता है जी, आपने 10 दिन इस कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो टाइम कैसे पास आउट करते हैं आप लोग? 10 दिन मतलब वो टाइम ऐसे एडजस्ट करते हैं, मैं रूटीन बनाता हूँ अपनी, सोना थोड़ा ज़्यादा है ताकि नींद सारी यहाँ पूरी है, सोना थोड़ा ज़्यादा है, ट्रेनिंग करनी है, कोई मूवी देखनी है, फ्रेंड से बात करनी है, तो एडजस्ट हो जाता है टाइम, तो वो 10 दिन जो है ना, मतलब वो जितने भी हम मतलब इतने दिन क्रिकेट खेलते हैं, मेहनत करते हैं, वो यहाँ पर आके हम अपनी थकान दूर कर लेते हैं। बिल्कुल। और टीम में, पाकिस्तान टीम में अगर बात करूं, चलें क्वेटा ग्लैडिएटर्स में मुझे पता है, मुझे कंफर्म है कि नसीम शाह आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, पाकिस्तान टीम में अगर नसीम शाह आज नहीं खेलते, फॉर एग्जांपल एक टूर पे वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो हसनैन का फिर कौन दोस्त है? पाकिस्तान टीम में देखें तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, हसन अली है, मोहम्मद शरफ है, शदाब खान है, मूसा है, हारिस, तो हम लोग ग्रुप में एक साथ होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं उनके साथ, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री।
तो मतलब आप भी रोटी गैंग का हिस्सा हैं। चले अच्छा हसने, आपने ना, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, आपने उसमें से चूज करना है कि आप कि आपको फेवरेट कौन है, पर्सनल फेवरेट, बाबर आजम या फिर विराट कोहली। मैं बाबर आजम ही कहूंगा। आजम खान या उस्मान सिनमारी। आजम। ओके, शुएब अख्तर या फिर वसीम अकरम। काफी मुश्किल सवाल है, तो दोनों ही है। मुझे था कि शायद आप वसीम भाई क्योंकि आप लोगों के साथ ही होते हैं तो वसीम भाई, और फिर क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं तो आप कहेंगे नहीं शुएब अख्तर, तो मुझे था कि आप दोनों के बीच में रहेंगे, तो आप बीच में ही रहे हैं। और बिरयानी और पुलाव। बिरयानी। मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी। वैसे दोनों, लेकिन मोहम्मद आमिर। थैंक यू सो मच हसनैन, आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद हसनैन, जो कि बहुत ज्यादा पुरउम्मीद हैं कि कोटा ग्लैडिएटर्स इस लेग में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा किसी और क्रिकेटर के साथ मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।